पिपराई थाना क्षेत्र के पूर्वा बाजार स्थित राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज की मान्यता रद्द होने के विवाद में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिस पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सीएमओ की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर दिया है, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि राज नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के निर्देश पर सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर दिया गया है और वह टीम जांच करेगी कि कॉलेज की मान्यता वास्तव में फर्जी है या नहीं है और इसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को ये सब बातें समझा दी गई है और छात्र संतुष्ट हो गए हैं तथा टीम की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर कॉलेज की मान्यता फर्जी निकलती है तो सीएमओ की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कॉलेज जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके ऊपर उचित धारा में जो भी कार्रवाई हो की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जो पिपराइज रोड पे है तो उसमें कल किसी अखबार में एक खबर निकली थी कि इस कॉलेज को फर्जी घोषित कर दिया गया है, तो बच्चे ये खबर पढ़ के काफ़ी उग्र हो गए। उनको अपने भविष्य को लेकर चिंता थी और उनके कई प्रश्न थे कॉलेज प्रशासन से, तो जिसका समाधान कॉलेज प्रशासन नहीं कर पा रहा, तो इसको लेकर बच्चे काफ़ी मात्रा में यहाँ जिला अधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए थे। तो इनकी मांग के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक टीम जो सीएमओ साहब की अध्यक्षता में है उसको गठित कर दिया गया है और वह टीम यह जाँच करेगी कि कॉलेज की मान्यता वास्तव में फर्जी है कि नहीं है और इसके बाद उस पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो बच्चों को ये सब चीज़ें समझा दी गई हैं और बच्चे यहाँ से संतुष्ट हो गए हैं। अब ये टीम की जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। देखिए अगर ये कॉलेज की मान्यता फर्जी निकलती है तो उस पर सीएमओ साहब की रिपोर्ट आने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी और इनकेस अगर बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ किसी भी कॉलेज ने किया है तो जो भी नियम संगत धारा होती है उस पर कार्रवाई की जाएगी।